أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم دوستو، मैं हूँ मोहसिन रफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने दो चैनल और भी शुरू किए हैं जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिस पे आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें मैंने कुछ 13 सब्जेक्ट के अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके वहाँ पे रखे हैं। तो आप इस चैनल पे जाएं और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इस चैनल का जो URL है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है। दोस्तों इस हवाले से मेरा जो तीसरा चैनल है वो की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से मटेरियल मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमारा जो क्विज नंबर 1 आया हुआ है उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें प्लानिंग है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। दोस्तों इसमें जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। लीडिंग जो है उसके जरिए हम जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या मोटिवेट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो लीडिंग थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मैनेजमेंट फंक्शन दैट डिफाइन गोल्स एंड एस्टेब्लिश स्ट्रेटजीज टू अचीव देम इज कॉल्ड। इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। दोस्तों जब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज की और गोल को डिफाइन करते हैं तो हम बेसिकली प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, रिवाक इज एक्सप्लेनिंग अ कंपनी पॉलिसी टू न्यू एम्प्लॉय, ही इज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। इसमें डिसीजनल रोल है, इसमें आपका इंटरपर्सनल रोल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रोल है और इंफॉर्मेशनल रोल है। तो इसमें जो है निशान तो आपको इंटरपर्सनल पे आ रहा है, लेकिन इस सवाल का जो ठीक जवाब है वो इंफॉर्मेशनल रोल है कि वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है जी फोर्थ नंबर पे, टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट फॉर अ सिटी आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। तो जब भी किसी सिटी को ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए सेकेंड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द गिवन स्किल आर यूजुअली रिक्वायर्ड एट ऑलमोस्ट एवरी लेवल। इसमें कंसेप्चुअल स्किल है, इसमें आपकी इंटरपर्सनल स्किल है, इसमें आपकी टेक्निकल स्किल है और इसमें ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन है। तो हमें हर लेवल के ऊपर जो है वो हर स्किल की जरूरत होती है। उसमें हमें कंसेप्चुअल स्किल की भी जरूरत होती है, उसमें हमें इंटरपर्सनल स्किल की भी जरूरत होती है, उसमें हमें टेक्निकल स्किल की भी जरूरत होती है। तो इसलिए आखिरी जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन अ कॉल सेंटर सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट विद मैनेजर ऑन वर्क शिफ्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑन डेली बेसिस द रोल इज डिस्क्राइब्ड एज। लीडर है, निगोशिएटर है, रिसोर्स एलोकेटर है और डिस्टर्बेंस हैंडलर है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है लीडर वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, मिस्टर स्मिथ सेट्स हिज आईज ऑन प्राइस, ही विल प्ले बाय द रूल्स एंड इवन डेवलप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिफरेंस टुवर्ड गेटिंग दैट रिवार्ड, इट रिप्रेजेंट हिज फिल इन द ब्लैंक फॉर वर्क।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक है, पॉजिटिव पोल ऑफ न्यूरोटिज्म है, इसमें पॉजिटिव पोल ऑफ एक्सट्रोवर्शन है। तो दोस्तों, जब भी हम खुद ब खुद कोई काम करें टू गेट समथिंग, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, मिस्टर अली इन एक्स वाई इंश्योरेंस कंपनी है, आई थिंक इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्रीहेंसिव चेंजेस दैट विल अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर ए इज परफॉर्मिंग अ रोल एज फर्स्ट लाइन मैनेजर है, इसमें टॉप लाइन मैनेजर है, मिडिल मैनेजर है, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो जब इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है और क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्रीहेंसिव चेंजेस की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर अली इज परफॉर्मिंग एज अ टॉप मैनेजर। तो सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन अ शर्ट मेकिंग फर्म सुपरवाइजर हैव असाइंड डिफरेंट टास्क लाइक कटिंग, मेकिंग कॉलर्स, स्टिचिंग, प्रेसिंग एंड पैकिंग टू डिफरेंट वर्कर्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर स्किल। द फर्म इज प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, वो इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइटल आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लाइन मैनेजर एक्सेप्ट। इसमें फोर मैन है, सुपरवाइजर है, लाइन मैनेजर है और डिवीजन मैनेजर है। तो डिवीजन मैनेजर जो है वो बेसिकली आपका मिडिल मैनेजर होता है। तो ये आपका लास्ट वाला जो है दैट इज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों, आखिर में मैं फिर आप लोगों को यही कहूंगा, आप टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, तो वहाँ पे मेरे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, उसमें CS101, MGT101, CS201, MGT201, CS601, CS401 और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वहाँ पे आप उन लेक्चर्स को सुनें और उनसे भी फायदा उठाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDB सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।